रनिंग डल चुकी है, मैं स्टार्टिंग आपको डालकर दिखाता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको गल गल ले लेता हूँ, ऐसे आगे से दबाकर इसके अंदर इसको डाल देता हूँ। इसमें ये इस साइड में जो सिरा छोड़ा है मैंने राइट हैंड की तरफ, और लेफ्ट हैंड की तरफ ये वायर है, दूसरा सिरा है जो कि आगे इन क्वालों से कनेक्ट है। ठीक है, अब आपको डालना कैसे कि ये जो दो स्लॉट खाली हैं इनके साथ नीचे जो स्लॉट है जिसके अंदर एक राउंड आया था रनिंग का, उसके अंदर इस स्टार्टिंग को डालना है ऐसे। डालने के बाद इसके ऊपर पेपर लगा दो, अब ये इसके अंदर डला है एक राउंड, बीच में ये दो छोड़ देने हैं, एक दो, और इसके अंदर इसको डाल देना है। ये रनिंग की जो कॉइल है जिसके अंदर एक राउंड था उसके अंदर स्टार्टिंग का एक राउंड और आएगा। इसको पेचकस की सहायता से नीचे की तरफ दबा देना है ताकि ये आराम से आ जाए इसके अंदर, और थोड़े थोड़े वायर करके इसको इसके अंदर ऐसे डाल देना है। अब इसके ऊपर पेपर लगा देना है ऐसे। ये रनिंग की जो दो कॉइलें हैं इनके बिल्कुल बीचों बीच स्टार्टिंग की कॉइल डली है, इसके अंदर दो राउंड है, इसके अंदर दो राउंड है रनिंग के, और ये जो पहली पिच है इसके अंदर एक राउंड है रनिंग का और स्टार्टिंग का भी एक राउंड आ गया। ठीक है, अब इस स्लॉट में और इस स्लॉट के अंदर दो राउंड डालने हैं। उससे पहले सिरे देख लें आप, ये राइट हैंड की तरफ वायर निकला है, सिरा जो स्टार्टिंग का है, और रनिंग का भी राइट हैंड की तरफ निकला था, तो इसका भी मैंने राइट हैंड की तरफ ही निकाल दिया स्टार्टिंग का। आप लेफ्ट हैंड की तरफ भी निकाल सकते हो, आपकी मर्जी है। और ये लेफ्ट हैंड की तरफ जो वायर निकला है, ये जो सिरा निकला है यहाँ पर, वो दूसरी कॉइलों से कनेक्ट है, यानी कि दूसरी कॉइल से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब इसको वैसे ही इसको ऐसे फोल्ड करना है, ऐसे घुमाना है। घुमाने के बाद रनिंग में एक दो राउंड थे, इसके अंदर भी एक दो राउंड डालेंगे। अब इसको ये जो स्लॉट ऊपर खाली देख रहे हैं आप, इसके अंदर इसको डालना है, और नीचे इसके साथ वाली कॉइल जो स्लॉट खाली है इसके अंदर इसको डालना है ऐसे। आप चाहें तो इस साइड से इसको डाल दो। ठीक है, और नीचे मैंने डाल दिया, ऊपर भी इसको डाल देता हूँ मैं इधर। इसमें एक राउंड डल गया, अभी एक राउंड और डालना है। ठीक है, इसको ऐसे कॉइल को ऐसे फोल्ड कर देना है, फोल्ड करने के बाद इसको ऐसे घुमा देना है इसके अंदर, और इसके अंदर इसको ऐसे एक एक राउंड और डाल देना है इसके अंदर। कॉइल को ज़बरदस्ती ऐसे नहीं खींचना है कि आपके कॉइल के जो इंसुलेशन है वो छिल जाए, इसलिए आराम आराम से इसको डालना है। आप ऐसे लकड़ी भी ले सकते हो, आपको दिखा देता हूँ इसको कैसे यूज़ करना है। ऐसे ऐसे घुमाते रहो, इसके बीच में ये सभी कॉइलें इसके अंदर ऑटोमेटिक आ जाएंगी ऐसे। ये देखो आ गई, इसके अंदर पेपर लगा देना अभी। ठीक है, ये डल चुकी है, इसका ये एक सिरा राइट हैंड की तरफ निकला, एक लेफ्ट हैंड की तरफ निकला। ठीक है, अब इसको मैं ऐसे कर देता हूँ नीचे की तरफ, क्योंकि अभी आगे वाली कॉइल में आपको डालकर दिखा देता हूँ। ठीक है, अब इसके अंदर आएगी और इसके अंदर आएगी स्टार्टिंग की एक एक राउंड, इसलिए इसको मैं ऐसे पेचकस से इसको दबा देता हूँ ऐसे नीचे की तरफ। इस पेपर को निकालना नहीं है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना आपको, इस पेपर को जो लगा हुआ है पेपर इसको निकालना नहीं है यहाँ से, इसको भी इसे ऐसे दबा देना है, इसको भी ऐसे दबा देना है। ठीक है, अब मैं दूसरी कॉइल ले लेता हूँ, एक कॉइल मैंने डाल दी है, अब दूसरी ले लेता हूँ। ये जो लेफ्ट हैंड की तरफ वायर निकला है वो इस कॉइल को जब हम डालेंगे तो लेफ्ट हैंड की तरफ ही जाएगा ऐसे। देखो मैंने इस कॉइल को ऐसे डाल दिया इसके अंदर। ठीक है, और ये जो स्लॉट है इसके अंदर इसको डालना है। इसके अंदर पेपर लगा देता हूँ,
क्योंकि इसके अंदर एक ही राउंड डालना है, इसीलिए इसके ऊपर पेपर लगा देते हैं। और अब ये सिरा देखें, ये सिरा जो पहली कॉइल का लेफ्ट एंड की तरफ था, तो दूसरी कॉइल अब डाली तो लेफ्ट एंड की तरफ ही ये सिरा जाएगा। ये देखो इस स्लॉट के अंदर आया है, जैसे कि रनिंग में आया था। अब इसको भी मैं इसके अंदर ऐसे डाल देता हूँ, बीच में छोड़कर, बीच में स्लॉट छोड़कर इसके अंदर ऐसे लकड़ी से इसको डाल दो चाहे। अब पेपर लगा देता हूँ इसके ऊपर। ठीक है, ये एक साइड से डल गई है एक एक राउंड। ठीक है, और ये सिरा देखो, ये राइट एंड की तरफ है जो कि इन क्वालों से ज्वाइंट है। ठीक है, और ये जो लेफ्ट एंड की तरफ जो सिरा है जो कि इस क्वाल से ज्वाइंट है, इसका ये लेफ्ट इस लेफ्ट के साथ ज्वाइंट है। ठीक है, अब इसको ऐसे घुमा देना, आपको ऐसे घुमाकर इसके अंदर इसको डाल देना है। इसके अंदर इसको डालने के बाद फिर वही नीचे वाली में डालना है और एक ऊपर वाली स्लॉट के अंदर डालना है। अब एक राउंड और डालना है इसके अंदर, इसलिए इसको ऐसे घुमा देना है। अब इसको पेपर लगा देना इधर, और इस साइड में भी एक राउंड इसका डालना है। इसमें दो राउंड हो जाएंगे फिर। इधर पेपर लगा देना इसके ऊपर, इसके राउंड पूरे हो गए हैं, एक और दो राउंड हैं। ठीक है, अभी ये जो सिरा राइट एंड की तरफ निकला है जो कि इस कॉइल से कनेक्ट है, अब इससे आगे वाली कॉइल डालने के लिए इसको इधर कर देता हूँ मैं, और इसको डालकर आपको दिखा देता हूँ। ये सिरा राइट एंड की तरफ निकला है तो इसका भी राइट एंड की तरफ जाएगा ऐसे। ये देखो राइट एंड की तरफ है तो इसका भी राइट एंड की तरफ आ गया ऐसे। ये इस स्लॉट के अंदर डालना है जिसके अंदर एक राउंड है, रनिंग का एक राउंड है जिसके अंदर, उसके अंदर स्टार्टिंग का भी एक राउंड डालना है। ठीक है, अब इसके अंदर इसको डालना है ऐसे। अब ये जो सिरा निकला है ये इस साइड में आया है, ये इसका राइट एंड की तरफ का सिरा राइट एंड की तरफ आया है, ये लेफ्ट एंड का सिरा जो कि ये लास्ट वाली कॉइल से ज्वाइंट है। ठीक है, अब इसको इस स्लॉट के अंदर डालना है दो राउंड, ऊपर जो खाली बची हुई है इसके अंदर। अब इसको मैं ऐसे फोल्ड कर देता हूँ, ऐसे फोल्ड करने के बाद इसके अंदर इसको ले जाना है ऐसे। इसके अंदर एक राउंड है अभी, इसके अंदर भी इसको डालना है ऐसे। अब इसको ऐसे घुमा देना है, ऐसे घुमाकर इसके अंदर दो राउंड डालने हैं।
ठीक है, ये सिरा अभी ये जो सिरा निकला है जो कि लास्ट कॉइल से कनेक्ट है, और ये तीन कॉइलें अभी डल चुकी हैं, चौथी यहाँ पर डलेगी। देखो ऐसे ऐसे मैंने इसको डाल दिया। ये लेफ्ट हैंड का सिरा ये लेफ्ट हैंड की तरफ जाएगा इस साइड में, ऐसे लेफ्ट हैंड की तरफ, लेफ्ट हैंड का सिरा लेफ्ट हैंड की तरफ, ठीक है। अब मैं इसके अंदर इसको डाल देता हूँ। ये लेफ्ट हैंड का सिरा लेफ्ट हैंड की तरफ आया, इस स्लॉट में इसको डालना है ऐसे। ये पेपर इधर डाल देना है इसके अंदर। ये कॉइल डल गई है, ये आपको दिखा देता हूँ। ये सिरा लेफ्ट साइड का सिरा इधर लेफ्ट साइड में, ठीक है, और इस साइड का जो राइट हैंड का सिरा है ये राइट हैंड की तरफ है, और लेफ्ट हैंड का सिरा लेफ्ट हैंड की तरफ है, ठीक है। ये लास्ट कॉइल है, इसको ऐसे फोल्ड करके इसके अंदर इसको अभी दो राउंड डालने हैं, ऊपर वाली स्लॉट जो खाली है इसके अंदर। और नीचे वाले स्लॉट के अंदर और बाकी की कॉइल को ऐसे फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद इसके अंदर इसको डाल देना है। इसके अंदर दो राउंड डालेंगे, एक डल चुका है, एक अभी मैं डाल देता हूँ। ये कनेक्शन करने से पहले मैं इसको धागे से सिलाई कर देता हूँ इसकी। उससे पहले आपको ऐसे एक सीट का टुकड़ा काट लेना है, और इनके बीच में रनिंग और स्टार्टिंग के बीच में ऐसे लगा देना है। ये बीच में लगाना बहुत ज़रूरी है ताकि रनिंग और स्टार्टिंग आपस में क्रॉस ना हो। देखो इधर धागा मैं लगा चुका हूँ, और इस साइड में अभी कनेक्शन करने हैं। ये देखो ये चार वायर निकले, ठीक है। इसके बीच में भी एक ऐसा टुकड़ा लगाना है इन कॉइलों के बीच में भी, रनिंग और स्टार्टिंग के बीच में ये पेपर लगा दिया ताकि यह क्रॉस ना हो, ठीक है। ये लगाना बहुत ज़रूरी है। अब जो इसके सिरे निकले हैं जिस पे कनेक्शन करने हैं, देखो ये लेफ्ट हैंड की तरफ सिरा निकला है और ये राइट हैंड की तरफ, ठीक है। ये रनिंग के हैं और ये दो सिरे जो आप ये देख रहे हैं ये स्टार्टिंग के हैं, ये भी लेफ्ट हैंड की तरफ, ये राइट हैंड की तरफ। अब इनके चारों के कनेक्शन करने हैं।
ठीक है। उससे पहले इसके अंदर स्लीव लगा लेनी है, ये जो स्लीव काटी हुई है, एक नंबर की स्लीव लगा दी है। ठीक है, अब इनके ऊपर जो इंसुलेशन लगा हुआ है, चाहे तो आप इसको जला सकते हो या फिर आप ब्लेड की सहायता से भी इसको साफ कर सकते हो। चार टुकड़े वायर के ले लिए हैं, दो लाल कलर के हैं और दो काले हैं, और साथ में ये चार स्लीव के टुकड़े हैं, तीन नंबर स्लीव के, जो इनके ऊपर मैं लगाऊंगा। अभी ये दो सिरे आप देख रहे हैं, ये रनिंग के हैं और ये जो दो सिरे हैं ये स्टार्टिंग कॉइल के हैं। आपकी मर्ज़ी है आप इन दोनों सिरों में कौन सा कलर आप लगाओगे, लेकिन इस चीज़ का याद रखना है कि आपकी रनिंग की कॉइल कौन सी हैं इन कलर के हिसाब से। जैसे कि मैं तो अभी लाल कलर की जो वायर है, जो ये तार है लाल कलर की, मैं रनिंग के ऊपर लगाऊंगा, और ये जो काली वाली हैं इनको मैं स्टार्टिंग के ऊपर लगाऊंगा। आप चाहें तो कोई भी कलर की वायर ले सकते हैं, लेकिन आपको इस चीज़ का याद ज़रूर ध्यान रखना है कि आपको ये पता रहे कि रनिंग की कॉइलें कौन सी है, क्योंकि रनिंग की कॉइल के ऊपर ही मेन पावर सप्लाई आएगी। बाकी स्टार्टिंग की कॉइल के साथ तो कैपेसिटर ज्वाइंट होगा, जैसे सीलिंग फैन में कनेक्शन होते हैं वैसे ही इसके कनेक्शन होंगे बाद में, ये चार वायर निकलने के बाद। ठीक है, तो आप मेरी सीलिंग फैन वाली वीडियो भी देख सकते हो, अभी मैं इसको ज्वाइंट करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने रनिंग के साथ लाल वायर को ज्वाइंट कर दिया है, इनको अच्छी तरह टाइट करके ज्वाइंट करना है। मैंने लाल वायर को रनिंग के साथ ज्वाइंट किया है, अब बच गई काली वायर जिसको मैं स्टार्टिंग की वायर के साथ सिरों के साथ इसको ज्वाइंट कर दूंगा। अभी मैंने काली वायर को स्टार्टिंग की सिरों के साथ ज्वाइंट कर दिया है, काली वायर को स्टार्टिंग के साथ और लाल वायर को रनिंग के साथ। ठीक है, अभी मैं इनके ऊपर अभी ये स्लीव लगा देता हूँ। स्लीव भी लग चुकी है, अब इसके अब इनको यहाँ पर लगा कर इसके ऊपर धागा लगा देना है। ठीक है, लेकिन उससे पहले आप जब कनेक्शन करें, कनेक्शन धागे से बांध दें, तो यहाँ पर ये कागज़ का टुकड़ा, ये सीट का टुकड़ा लगाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ताकि ये जब कोई लीड पटाखा हो या स्पार्किंग हो तो आपकी वो जो वाइंडिंग है वो बच जाए, इसीलिए। अभी इसको धागे से इसकी पूरी सिलाई कर देनी है। आप अभी ये यहाँ पर देखें, ये जो मैंने स्लीव को यहाँ पर बांधा है, तो यहाँ पर मैंने ये कागज़ का, ये सीट का टुकड़ा यहाँ पर लगाया हुआ है, ताकि अगर ये यहाँ से शॉर्ट हो या स्पार्किंग करे तो आपकी कॉइल बच जाए। ठीक है, इसीलिए जब भी आप कोई कनेक्शन करो किसी मोटर के, तो बीच में ये सीट का टुकड़ा ज़रूर लगा दें स्लीव के नीचे। ठीक है, अब मैं इसकी यहाँ से यहाँ तक आपको सिलाई करके दिखा देता हूँ। सिलाई करने के बाद ये एल्युमिनियम की वाइंडिंग है, इसके ऊपर आपको वार्निश नहीं डालनी है। ठीक है, जैसे कि ये जो वार्निश है आपको सिर्फ कॉपर की वाइंडिंग के ऊपर ही डालनी है, एल्युमिनियम की वाइंडिंग के ऊपर आपको वार्निश नहीं डालनी। ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। मैंने इसके ऊपर धागा लगा दिया है, ये मोटर अभी कंप्लीट हो चुकी है, ये बैक साइड में भी इसका धागा हो चुका है, लग चुका है, और ये कनेक्शन वाली साइड में भी इसका धागा लग चुका है। ये अभी आपके सामने चार वायर निकले हैं, दो काले दो लाल, इनके कनेक्शन कैसे होंगे ये अभी आपको बता देता हूँ मोटर फिट होने के बाद। अभी मैं इस मोटर को फिट नहीं करूँगा, यहीं पर ही आपको इसके कनेक्शन बता दूँगा। ये जो चार तार हैं, दो काली दो लाल, इनमें से एक लाल और एक काली को मिला देना है, यह मेन वायर हो गई, और बची हुई वायर के साथ आपको कैपेसिटर लगा देना है।
एक वायर के साथ काली ज्वाइंट कर दो, एक के साथ लाल, ठीक है। और इसमें रनिंग की कॉइलें पे जो वायर लगे हैं वो लाल हैं, इसी लाल पे ही न्यूट्रल फेस लगेंगी। ये जो दोनों वायर हैं ये पावर सप्लाई की न्यूट्रल फेस की वायर है। अभी एक वायर को इसके साथ ज्वाइंट कर देना है ऐसे, और जो दूसरी वायर है वो उसको लाल के साथ लगाना है, काली के साथ नहीं लगाना, क्योंकि ये स्टार्टिंग की है। स्टार्टिंग के साथ आपको लगा दिया तो स्टार्टिंग की वायर जल जाएगी। ये रनिंग के साथ ज्वाइंट करना है ऐसे, ठीक है। अगर आपको चक्कर बदलने हैं तो आप काली वायर को इसके साथ बदल सकते हो, इस काली को यहाँ पर और इस काली को यहाँ पर, या फिर इस लाल को आपस में चेंज कर सकते हो, तो आपके मोटर के जो चक्कर हैं वो बदली हो जाएंगे, ठीक है।